हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं तो थोड़ा ठीक नहीं हूँ, बट ठीक है, शादी करके आई हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, 2 दिन से बस ऐसे ही पड़ी हूँ। नींद पूरी नहीं हो रही है, बॉडी बहुत पेन कर रही है। और कल तो मैंने पूजा भी नहीं की थी। आज मैंने उठ के थोड़ा सा सोचा कि चलो पूजा तो कर लूँ नहा के, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा नहा के पूजा वगैरह की। और इतनी हालत ख़राब है मेरी कि मैं ये समझ लो कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी पूजा करने के लिए। बस जैसे तैसे मैंने कर ली पूजा आज, और कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। सारा बैग भी ऐसे ही पड़ा हुआ है बेड पे, इसको भी मैंने खोला नहीं है। ये भी थोड़ा सा तबीयत ठीक हो तब इसका सामान वगैरह निकाल के रखूँगी तो सारा फैल जाएगा ये, तो इसलिए ऐसे ही बंद करके डाल रखा है। ये सारा देखो घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो सारे कपड़े वगैरह सब वही, सारा सामान मेकअप का, ये चूड़ियाँ वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये देखो मेरी बुआ ने दिया है विदाई में मुझे, ये प्लेट्स दी हैं, ये टिफिन दिया है, ये इतना बड़ा गिलास दिया है इसमें पानी पियो, दूध पियो, कुछ भी पियो, बहुत बड़ा गिलास है यार, देखना। और ये मेरे भाई ने बिस्किट के पैकेट रखे हुए थे सबके लिए, लेज के पैकेट रखे हुए थे, और एक चंचल टाइप का आता है खाने का वो रखा हुआ था। ये मेरी बुआ ने मेरे लिए सूट दिया है, ये सूट दिया है, और ये 2 बेडशीट दी है, एक बेडशीट ये दी है, एक बेडशीट ये दी है, 2 बेडशीट दी है। ये सारा सामान दिया है विदाई में, बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए सगन के। और बहुत अच्छी शादी रही, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े किए लॉकडाउन की शादी में, और गर्मी वाली शादी में। पहली बार गई थी मैं गर्मी की शादी में, वाह क्या भाई, पसीने छूट रहे थे, सारा मेकअप ख़त्म, सारा सब बहुत अच्छा ख्याल रखा हमारा। छोटे से छोटा बच्चा भी इतना ध्यान रख रहा था कि बुआ क्या खाओगे, बुआ क्या पियोगे, बुआ ये लाए, बुआ वो लाए, मतलब इतना प्यार कि बस लोग सिर्फ प्यार के लिए ही हमारी बुआ के घर जाते हैं। हम लोग सब प्यार के भूखे हैं, और हम सब लोग बुआ के घर, इसीलिए हमें अच्छा लगता है कि हमारी बुआ बहुत प्यार करती है। बुआ, फूफा, बुआ के बच्चे, बच्चों के बच्चे भी बहुत ही प्यार करते हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, कभी ये ले आना, कभी वो ले आना, बुआ ये खा लो, बुआ वो खा लो। कभी भाई आते थे, दीदी ये खा लो, दीदी ये ले आते हैं, दीदी वो ले आते हैं, बुआ अलग, फूफा जी अलग। हमारे फूफा जी तो खरबूजे ले आते थे, कभी कुछ ले आते थे, ये खाओ ये खाओ ये खाओ। इतना अच्छा लगता है, इंसान प्यार का भूखा है, इंसान को जहाँ प्यार मिलता है इंसान वहीं जाता है, और वो प्यार हमारी बुआ जी के यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम सब लोग प्यार के लिए बहुत, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं उनके यहाँ जाके, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी बुआ की फैमिली बहुत अच्छी है। चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जितनी बातें थी शेयर की आप लोगों से, और चलो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट करके, और अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।